बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर नाज, आज मैं आपको पंजीरी की रेसिपी बता रही हूँ। ये मेरी अपनी रेसिपी है, इस रेसिपी को इसी तरह फॉलो कीजिएगा। हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने 250 ग्राम मखाने लिए हैं। 250 ग्राम मखाने में मैंने 100 ग्राम मैंने अखरोट डाले हैं, 100 ग्राम पिस्ता डाला है मैंने, 100 ग्राम बादाम डालूँगी मैं। बादाम, पिस्ता और अखरोट इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है। 100 ग्राम मेलन सीड्स डालूँगी मैं, 50 ग्राम काजू डालूंगी मैं। तमाम मेवाजात को हम मिक्स कर लेंगे। इन मेवों में मैंने खजूरें, किशमिश और गोंद का तीरा नहीं डाला है, क्योंकि हमें उसे ब्लेंड नहीं करना। सारे मेवों को हमें ब्लेंडर में डालना है और ब्लेंड कर देना है। मखाने के हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, बैक पेन के लिए बहुत मुफीद है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी इसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। तमाम मेवों को हम थोड़ा थोड़ा करके ब्लेंड कर लेंगे और बॉल में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे मेवाजात थोड़ा थोड़ा करके ब्लेंड कर लेंगे। एक पैन में 2 टेबलस्पून देसी घी डालूंगी मैं, आप नॉर्मल घी भी डाल सकते हैं। हमें मीडियम टू लो हीट हमें इसमें रखनी है और लो हीट पर भी हमें सारा मेवा बनाना है। अब इसमें 50 ग्राम गोंद का तीरा डालूंगी। गोंद का तीरा फ्राई करते वक्त हमें चमचा मुस्तकिल चलाते रहना है। गोंद का तीरा इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है और इसके हल्की ही आंच पर फ्राई करते रहना है, जब तक इसका अपना कलर चेंज ना हो जाए और ये थोड़ा सा फूल ना जाए। जैसे ही फूलने लगेगा तो समझे आपका गोंद का तीरा फ्राई हो चुका है। चमचे को मुस्तकिल चलाना है, वरना ये कहीं से पकेगा और कहीं से कच्चा रह जाएगा। गोंद का तीरा सरदर्द के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। गोल्डन ब्राउन कलर हमारा आ चुका है गोंद के तीरे में, हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें खजूरें डालूंगी। मैंने 100 ग्राम खजूरें ली हैं, उनको बारीक काट लिया है। खजूरों को भी डालकर हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। 100 ग्राम मैंने किशमिश डाली है इसमें, किशमिश को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। स्पैचुला की मदद से हमें इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है और हिलाते रहना है, फ्राई करते रहना है। अब मैं इसमें सारे पीसे हुए मेवे इसमें डाल दूंगी। और अच्छी तरह से मिक्स करना है हमें इन तमाम मेवों को और फ्राई करते रहना है। हमें मीडियम टू लो हीट पर इन्हें फ्राई करना है। इन तमाम मेवों को तब तक फ्राई करना है तब तक इसमें पिंक सा कलर ना आ जाए। पिंक कलर इसमें आ जाएगा, इसमें अपनी खुशबू आ जाएगी, तो समझिए फ्राई हो चुका है। इस पंजीरी को आप एयर टाइट जार में कई महीनों तक रख सकते हैं। बच्चों को ब्रेकफास्ट में भी नीम गर्म दूध के साथ दे सकते हैं। इसका मुस्तकिल इस्तेमाल हमें बहुत सी डिजीज से बचाती है। ये एंटी कैंसर भी है, स्पेशली विंटर्स में इम्यूनिटी इम्प्रूव करता है। पंजीरी रेडी है, इसमें पिंक कलर आ चुका है। अब हम एक बॉल में पंजीरी डालेंगे। गरम दूध डालेंगे। थोड़ी सी ब्राउन शुगर डालेंगे और मिक्स करके सर्व कर देंगे। इस तरह से रोज़ाना हमें इसे ब्रेकफास्ट में सर्व करना है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।